Student, today we see the next part of PLC, that is output module and programming device in PLC. Okay, so see in detail. The first one is this output module. Okay, the first point in output module is that output devices are connected with the PLC through the output modules. That means it functions as a medium that connect the external output devices such as lamp, motor, solenoid, etc. to the CPU within the PLC. Okay, जो भी output devices है वो PLC को हम लोग क्या कर सकते हैं, connect करते हैं through output modules. अभी output modules जो है अपने वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि lamp हो सकता है, motor हो सकती है, या हम ये कैसे कनेक्ट करते हैं CPU विद इन PLC. ओके, नेक्स्ट पॉइंट में देखो, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द PLC इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल सच एज हाई और लो, ट्रू और फॉल्स, और जीरो और वन. द मॉड्यूल दिस मॉड्यूल इज कनेक्टेड कनेक्टिंग द PLC टू द आउटपुट फील्ड डिवाइस. ओके, जो भी क्या है इन्फॉर्मेशन है PLC को, वो किसके फॉर्म में चाहिए रहती है, ओनली इन डिजिटल सिग्नल, दैट इज वन जीरो, हाई लो और ट्रू फॉल्स में. ओके, और जो भी मॉड्यूल है वो हम लोग PLC को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं टू द आउटपुट फील्ड डिवाइस. ओके, और जो भी अपने आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कौन कौन से रहते हैं विथ PLC, आर मोटर्स, डिस्प्ले, सोलेनॉइड वॉल्स, हीटर कॉइल्स, लैम्प, रिले, बजर्स, ये सब क्या है अपने क्या रह सकते हैं आउटपुट मॉड्यूल्स एक्सेट्रा. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है डिफरेंट पार्ट्स में वो आता है इम्पोर्टेंट, दैट इज़ द प्रोग्रामिंग डिवाइस. ओके, सो इन दिस प्रोग्रामिंग डिवाइस फर्स्ट पॉइंट सी, द प्रोग्रामिंग डिवाइसेस आर डेडिकेटेड डिवाइसेस यूज फॉर लोडिंग द यूज़र प्रोग्राम इन टू द प्रोग्राम मेमरी. हम लोग प्रोग्रामिंग डिवाइसेस किस लिए यूज़ करते हैं, जो भी यूज़र प्रोग्राम है वो प्रोग्राम मेमरी में लोड करने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, प्रोग्रामिंग डिवाइसेस. और किसके लिए यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग डिवाइसेस, और एडिट इट एंड टू मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्रामिंग ऑफ द PLC. मीन्स हम लोग प्रोग्राम को एडिट भी कर सकते हैं और उसका जो एग्जीक्यूशन है उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्रामिंग डिवाइस. ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रबल शूट द PLC लैडर लॉजिक प्रोग्राम. और ये किसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी PLC लैडर लॉजिक प्रोग्राम है उसको ट्रबल शूट करने के लिए भी ये प्रोग्रामिंग डिवाइसेस जो है यूज़ कर सकते हैं. उसमें जो आते हैं देखो सेकेंड पॉइंट में, हैंड हेल्ड टर्मिनल, दैट इज HHT बोलते हैं उसको, या डेडिकेटेड टर्मिनल्स और पर्सनल कंप्यूटर. ये सब क्या है आपके प्रोग्रामिंग डिवाइसेस, कॉमनली यूज इन मोस्ट ऑफ द PLC. ओके, मोस्ट ऑफ द PLC में यही यूज़ करते हैं, दैट इज हैंड हेल्ड टर्मिनल यूज़ करते हैं या फिर पर्सनल कंप्यूटर रहता है अपना, ठीक है, ये सब क्या है आपके प्रोग्रामिंग डिवाइसेस रहते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए, जो भी हैंड हेल्ड टर्मिनल है, ओके, जो भी जो हैंडल टर्मिनल आपका क्या है प्रोग्रामिंग डिवाइसेस है, उसका जो साइज होता है वो कैसे होता है, स्मॉल होता है, लाइट वेट होता है ये. ओके, एंड इजी टू यूज प्रोग्रामिंग डिवाइस होता है. इट्स फ्रंट पैनल इज एस विच हैव डेडिकेटेड स्मॉल साइज LCD, ओके, डिस्प्ले विद ऑपरेटिंग कीज, इट रिसेम्बल्स अ पाम कैलकुलेटर. ओके, इसका जो है हैंड हेल्ड टर्मिनल का हम लोग डायग्राम भी जो है ये देखो, ये है हैंड हेल्ड टर्मिनल, उसका ओरिजिनल जो फोटोग्राफ है ये है. ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है देखो, डेडिकेटेड टर्मिनल्स, इट इज स्पेशली डिजाइन यूनिट सिमिलर टू द पर्सनल कंप्यूटर फॉर प्रोग्रामिंग द कंट्रोलर. ओके, ये भी सिमिलर ही रहता है पर्सनल कंप्यूटर के जैसे, उसको हम क्या बोल सकते हैं, डेडिकेटेड टर्मिनल्स. ओके, लास्ट जो पॉइंट है वो देखो, पर्सनल कंप्यूटर, इन द मोस्ट ऑफ द PLC एप्लीकेशंस पर्सनल कंप्यूटर्स आर कॉमनली यूज एज अ प्रोग्रामिंग
डिवाइस, ओके, जो पर्सनल कंप्यूटर है वो भी हम लोग प्रोग्रामिंग डिवाइस करके यूज कर सकते हैं, ओके. ड्यू टू द लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इट इज पॉसिबल टू स्टोर द लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम. ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि पर्सनल कंप्यूटर में क्या स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ओके. इट हैज़ अ कैपेसिटी टू हैंडल मोर लैडर डायग्राम एंड इज यूज फॉर अ ऑफलाइन प्रोग्रामिंग, ओके. हम लोग जो है इसकी कैपेसिटी होने के कारण, पर्सनल कंप्यूटर की कैपेसिटी होने के कारण हम लोग जो है प्रोग्रामिंग ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ओके. और लैडर डायग्राम भी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली ज़्यादा से ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं, ओके. सो द टुडेज टॉपिक दैट इज़ द हैंड हेल्ड सॉरी प्रोग्रामिंग डिवाइस एंड आउटपुट मॉड्यूल विल बी एंड. सो दिस इज ऑलरेडी सीन द हैंड हेल्ड टर्मिनल फोटोग्राफ, ओके. सो टुडेज टॉपिक विल बी एंड. थैंक यू वेरी मच.